नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आरएसएस पर प्रतिबंध को लेकर मचे बवाल पर सफाई देते हुए कहा कि हार की आशंका से जरी भाजपा वह शब्द भी हमारे मुंह में देना चाहती है जो हमने कहे ही नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध की कोई बात कांग्रेस के वचन पत्र में नहीं कही गई है, केवल शासकीय स्थानों पर शाखाएं लगाना प्रतिबंधित होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस के वचन पत्र में साफ लिखा गया है कि सरकारी स्थानों पर शाखाएं नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन भाजपा इसे लेकर गलत प्रचार कर रही है, जबकि यह प्रावधान भाजपा की सरकार ने ही लागू किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शासकीय हॉस्टल में शाखाएं लगने से मध्यान्ह भोजन का कार्य प्रभावित हो रहा है, उनके छात्रों ने शिकायत की है। जैसे ही आपने हमने अपना वचन पत्र रिलीज किया, भारतीय जनता पार्टी हमारे वचन पत्र के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती, पर घुमा फिरा के ऐसी बात करती है और हमारे मुंह में वो शब्द डालना चाहती है जो ना तो हमारी भाषा है ना तो हमने कहा है। हमने स्पष्ट कहा है अपने घोषणा पत्र में, और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि शासकीय परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर, क्या बात है, शासकीय परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे तथा शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को शाखा में छूट संबंधी आदेश निरस्त करेंगे। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, क्या ये आदेश थे, क्या ये लागू था? जब बाबूलाल गौर जी थे, लागू था? आज केंद्र सरकार ने भी ये लागू किया होगा, तो हमने तो वही बात दोहराई है जो केंद्र सरकार ने लागू करी है। हमने वही बात दोहराई है जो उमा भारती जी या मुख्यमंत्री थी उनके कार्यकाल में लागू था और बाबूलाल गौर जी थे। हमारा लक्ष्य ये है कि राजनीति को दूर रखा है, इन सब चीजों से हम राजनीति को दूर रखना चाहते हैं। आरएसएस राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, यह जनता फैसला करे, मुझे इसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस को पूरी छूट है शाखाएं लगाने का, केवल सरकारी शासकीय परिसरों में नहीं है, जो हर जगह हर प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये नियम है। तो हमने वही बात दोहराई है जो सब जगह केंद्र सरकार में और अन्य प्रदेशों में भी लागू है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा पर हमले में लोगों को गुमराह कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि 4.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि कांग्रेस रोक लगा रही है। जब चुनाव आता है इनको राम मंदिर याद आता है। 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के चुनाव में इन्होंने राम मंदिर की बात करनी फिर से शुरू कर दी। 4-5 महीने बचे केंद्र में चुनाव है, राम मंदिर को तब याद आता है और तब ये शुरू करते हैं कि कांग्रेस रोड लगाने के 4.5 साल। अगर आपको कुछ कानून बनाना था अपनाते और उस समय तो कांग्रेस रोकती आपको तो आप ये बात कहते, पर आज फिर से जनता को बोल रहा है। ये इनकी राजनीति, ये 4.5 साल और हमेशा। कमलनाथ ने उम्मीद जताई कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में प्रदेश की मौजूदा सरकार को लेकर खासा आक्रोश है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद थी। भोपाल से न्यूज आज के लिए संध्या चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।